Where are we going? Where are we going? Skiing. Yeah. I'm going to take you to another island, lost island, and then we're going to get lost over there. And you will be my Wilson. Hi, Wilson. अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज़िमल मोमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि मीनाल खान और एहसन मोहसिन हनीमून के लिए मालदीव गए हुए हैं। उनकी तस्वीर और वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वो अपने हर लम्हे की तस्वीर और वीडियोस अपने मदाहों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मीनाल और एहसन को हर दफ़ा काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। वो सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर, वीडियोस और ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है उनके साथ। उन्होंने अपने हनीमून के दौरान ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर की हैं कि जो कि लोगों को पसंद नहीं, लेकिन लोग मीनाल खान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि मीनाल खान ने हनीमून के दौरान कुछ ऐसी इस किस्म का लिबास पहना है कि जो मदाहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मदाहों का कहना था कि हमें मीनाल से बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं थी कि वो शादी के बाद इतनी जल्दी चेंज हो जाएंगी और इस किस्म का लिबास पहनेंगी। बाज़ लोगों का कहना था कि क्या मीनाल को सिर्फ शादी का इंतजार था कि वो बाद में अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लें और बाकी लड़कियों की तरह जो शोबिज में आती हैं और अपने कपड़े उतार देती हैं, मीनाल भी कुछ वैसी ही निकली है और उनको सिर्फ शादी का इंतजार। लोगों ने एहसन और मीनाल के हनीमून के साथ एमन खान और मनीष भट्ट के हनीमून को कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एमन शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं बदली, उन्होंने अपनी ड्रेसिंग भी बिल्कुल नहीं बदली। जब मनीष भट्ट और एमन खान हनीमून पर गए थे तो एमन और मनीष की ड्रेसिंग फुल थी और मनीष भट्ट ने भी काफ़ी अच्छा लिबास पहना था। उसने मोहसिन की तरफ शर्टलेस बिल्कुल भी कोई पिक्चर और वीडियो शेयर नहीं की थी। लोग एमन खान और मनीष भट्ट के कपड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जैसे पहले थे वैसे ही शादी के बाद में रहे, उन्होंने खुद को तब्दील नहीं किया और ना अपना लिबास तब्दील किया। मीनाल खान ने शॉर्ट्स पहन के जो अपनी पिक्चर्स और वीडियो शेयर किए हैं वो मदाहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ना मीनाल खान के फैंस को पसंद आई। मीनाल खान के फैंस का कहना था कि इनको बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि मीनाल खान इस किस्म का लिबास हनीमून पर पहनेंगी। और दूसरी तरफ मीनाल खान और एहसन मोहसिन की पिक्चर्स पर तकरीबन तमाम सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स आए हैं, किंजा हाशमी, सबूर अली और तकरीबन बाकी दोस्तों के भी कमेंट्स आए हैं, लेकिन सिर्फ एमन खान और इनके कोई भी भाई और इनकी माँ का कोई भी कमेंट शो नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि एमन खान और मीनाल खान की काफ़ी ज़्यादा मीनाल और एहसन से नाराज़ नजर आती हैं, जो उन्होंने मीनाल की कोई भी पिक्चर शेयर नहीं की, ना ही किसी पिक्चर पर कमेंट किया है और ना ही मीनाल के किसी भाई ने कमेंट किया है। इससे साफ नज़र आता है कि मीनाल खान के घर वाले मीनाल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एमन जब मुनीब के साथ कहीं भी घूमने जाती है तो मीनाल खान उसकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा शेयर करती हैं और कमेंट भी करती हैं, लेकिन इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि एमन ने कोई भी कमेंट नहीं किया और ना ही मीनाल खान की कोई पिक्चर शेयर की है, जिससे मदाहों को ये साफ नज़र आ रहा है कि दाल में कुछ काला है और एमन काफ़ी ज़्यादा मीनाल से नाराज़ नज़र आ रही हैं। आपको मीनाल और एहसन की पिक्चर्स और वीडियोस कैसी लगी? क्या आपको भी मीनाल खान से ऐसी तवक्को थी कि वो हनीमून पर ऐसा लिबास पहनेगी? कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए और मीनाल और एहसन के हनीमून के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।